मेरठ में प्रशासन की टीम ने दवाइयों के गोदाम पर छापा मारा है। भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां भी बरामद की गई है। गोदाम से आरोपी दवाइयों का रिप्रिंट करके बाजार में बेचने की तैयारी भी कर रहा था। मौके से भारी मात्रा में मोहर लोगो पैकिंग का भंडार भी मिला है। छापे से पहले ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सरदरा थाना क्षेत्र के मेरठ रोड पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था। देखिए दवाइयों के गोदामों में छापेमारी की गई है। ऐसे में बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयां बरामद की गई है। इसके अलावा पैकिंग, लोगो, तमाम चीजें जो है वो बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि रिप्रिंट करके बेचने की तैयारी में था आरोपी। मेरठ में पुलिस की सूचना पर एक्सपायरी डेट की दवाइयों के गोदाम पर औषधि विभाग की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। जी हां, औषधि विभाग की टीम ने मेरठ के एक सरधना के मकान से लगभग 6 लाख रुपए की एक्सपायरी दवाइयों को बरामद किया है। जी हां, इन एक्सपायरी दवाइयों पर दोबारा से डेट रिप्रिंट करके इन्हें मार्केट में उतारा जाता था और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम वहाँ किया जा रहा था। फिलहाल एक्सपायरी डेट के गोदाम को ऑपरेट करने वाला आरोपी अभी फरार है। पुलिस लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। तो देखिए छापे से पहले आरोपी फरार हो गए हैं। दरअसल जानकारी के अनुसार पुलिस ने छापेमारी की थी। मोहर लोगो पैकिंग का सामान यहां से बरामद किया है और कई एक्सपायर्ड दवाइयां भी बरामद की गई है। तो इस बीच हरदोई से भी एक बड़ी खबर मिल रही है।